नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन के लिए कोई सगा नहीं है। चीन केवल अपने आर्थिक और राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर दुनिया से अपने रिश्ते बनाकर चलता है। उसके लिए किसी देश से मित्रता तभी तक उचित है जबकि उसे से फायदा मिल रहा है। जिस दिन यह कम हुआ, चीन अपनी चालाकियों पर उतर आता है। मदरसों से लेकर हीरा मंडी तक चीन चीन चिल्लाने वाले पाकिस्तान पर अब जिनपिंग का ठंडा चाबुक चलने जा रहा है, जिसकी चोट पाकिस्तान को शायद ही महसूस हो, मगर आने वाले वक्त में वह एक बड़ा घाव बनकर जरूर उभरेगा। चीन ने पाकिस्तान को अपनी बिजली कंपनियों का $3,10,00,000 लौटाने का अल्टीमेटम दे दिया है। उसने जून के अंत तक यह पैसा लौटाने की मोहलत दी है। अगर पाकिस्तान यह रकम वापस नहीं करता है तो चीन ने मदद रोकने और भारी सूद लगाने की धमकी दी है। चीन के इस व्यवहार से चीनी गुणगान कर रही पाक सरकार अब बुरी तरह बौखलाई हुई है। पाकिस्तान के सामने कोरोना संकट के बीच यह सबसे बड़ी मुसीबत है। उसके खजाने में ताजा मिले कर्जों के बाद $6,00,000,000 ही बचे हुए हैं, जिनसे वह अपने आयात का जुगाड़ कर रहा है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो $12,00,000,000 का सकल विदेशी मुद्रा भंडार है, वह ज्यादातर कर्जों से मिली रकम है। यानी पाकिस्तान के पास तैमंद खरीदने लायक भी राशि नहीं है, या सब कुछ कर्ज से लिया हुआ है। कंगूरों पर लटके बंबू भी चीनी अब्बू का दिया माल है। ऐसे में उसी चीन द्वारा चढ़ाया गया डंडा अब पाकिस्तान के होश उड़ा रहा है। दरअसल पाकिस्तान पर बिजली कंपनियों का $11,00,000,000 से ज्यादा का बकाया हो चुका है, जिसमें $3,00,000,000 से ज्यादा चाइनीज बिजली कंपनियों का बाकी है। अगर पाकिस्तान ने यह रकम नहीं लौटाई तो उस पर चाइना का एक्शन तो होगा ही, बिजली कंपनियां भी उत्पादन ठप कर देगी, जिससे पाकिस्तान में एक बड़ा बिजली संकट खड़ा हो सकता है। पर भीख मांगने में सुल्तान साबित हो चुके इस बेशरम पीएम ने इस बार सीधे $15,00,000,000 का कर्ज लेने का प्लान बनाया है। यानी बचा खुचा पाकिस्तान भी गिरवी रखा जा रहा है। साल 2020-21 के लिए $15,00,000,000 का लोन लेकर इमरान लोंडा किसी एक साल में पाकिस्तान द्वारा लिए जाने वाले सबसे ज्यादा कर्ज का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। पाकिस्तान को इसी साल में चीन और अन्य मुल्कों व कर्जदाता संस्थाओं को $10,00,000,000 का भुगतान करना है, जिसमें पुराने विदेशी कर्जों का सूद शामिल है। शेष $5,00,000,000 से पाकिस्तान विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत करने की उम्मीद लगा रहा है। यानी पाकिस्तान को कर्ज का सूद देने के लिए जहां कर्ज उठाना पड़ रहा है, वहीं कर्ज के पैसे तैमंद के कोने में लपेट कर कबाब की सीख को ठंडी करना है। पर मामला सीख कबाब का नहीं है, बल्कि सारा खेल मुल्ला के हिसाब और बेगम के नकाब का है। तशरीफ पर अंगूर की बेल चढ़ाकर इमरान चांद पर जाने के ख्वाब देख रहे हैं। पाकिस्तान पर देश से बाहर का सार्वजनिक ऋण इसी साल के मार्च के अंत तक $86,40,00,000,000 हो चुका है, जबकि पाकिस्तान की कुल जीडीपी ₹23,00,000,000,000 है। बड़ी बात यह है कि इस ऋण में पाकिस्तान चीन के लोन को गोलमोल कर जाता है। उसने अभी तक नहीं बताया कि वह चीन के नीचे कितनी गहराई तक दबा पड़ा है, परंतु एक अनुमान के मुताबिक चीन का छुपा कर्ज भी $43,00,000,000,000 के करीब है। यानी पाकिस्तान की जीडीपी का 85% पैसा केवल कर्जों का सूद चुकाने में जा रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की हालत नुक्कड़ पर बैठे उस भीखमंगे जैसी है जिसके कटोरे में सिक्के तो हैं, पर वह खोटे होने के कारण बाजार में नहीं चल सकते हैं। इन हालातों में पाक का मतलब कंगला और नल्ला है। पर सवाल यही है कि अब इस नल्ले पाकिस्तान को कर्ज कौन देगा? अभी कोरोना संकट के बीच आईएमएफ ने $1,39,00,000,000,000 का कर्ज दिया है। विश्व बैंक ने भी मदद का आश्वासन दिया था, मगर अभी तक वह रकम नहीं मिल पाई है। इमरान लोंडे के हाई-फाई भिखारी माइंड ने अब एक नया रास्ता निकाला है। इसके लिए सुल्तान लोंडा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कर्जदाताओं, वाणिज्यिक बैंक, यूरो बैंड जारी करताओं और आईएमएफ से $15,00,000,000,000 इकट्ठे करने का प्लान बना रहा है। यानी इमरान इस बार तैमंद के साथ साथ टोपियों की जालियों पर भी पैबंद लगाने जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जुलाई 2018 से लेकर जून 2021 तक इमरान $40,00,000,000,000 का कर्ज ले चुका होगा, जिसमें $27,00,000,000,000 का इस्तेमाल पुराने कर्ज के चुकाने की योजना है, जबकि $13,00,000,000 उसके बाहरी सार्वजनिक ऋण में जुड़ जाएगा। गौरतलब यह भी है कि इमरान लोंडा अगस्त 2018 में पाक का वजीर आजम बना था। उसके बाद ही मुल्लाओं का नया पाकिस्तान भी बना था, जिसे 2021 तक कर्जिस्तान का कब्रिस्तान बनाकर गदैया नर्तक का कीर्तिमान बना दिया जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।